हाय, अब अवनी आ रहा है एंड यू वाचिंग नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। नागपुर पुलिस ने आज राहत की सांस ली जब प्रदीप मोतीरमानी को ट्रेस कर उन्हें वापस घर लाने में उन्हें सक्सेस मिली। नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि प्रदीप मोतीरमानी घर वापस आ गए हैं। जरीपटका थाना क्षेत्र में रहने वाले एक स्कूल के हेडमास्टर की किडनैपिंग से पूरे शहर में सैटरडे 3 सितंबर को सनसनी फैल गई थी। फ्राइडे की रात से ही हेडमास्टर साहब गायब थे। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर बेटी ने उनके फोन पर कॉल किया तो फोन किडनैपर ने उठाया और उसके फादर को छोड़ने के बदले 30 लाख रुपीज का रैंसम मांगा था। नागपुर पुलिस हेडमास्टर और किडनैपर की तलाश में जुट गई थी। मिली जानकारी के अनुसार जरीपटका निवासी प्रदीप मोतीरमानी जरीपटका एरिया के ही एक स्कूल में हेडमास्टर है। फ्राइडे की रात वे अपनी 2-व्हीलर से बाहर गए थे पर लेट नाइट घर नहीं लौटे तो घर वाले परेशान हो गए। खबर है कि उन्हें फोन करने पर दूसरे व्यक्ति ने उठाया और कहा कि अपने पिता को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो शनिवार दोपहर तक 30 लाख रुपए तैयार रखना। पता चला है कि उसने इसके बारे में पुलिस को भी नहीं बताने की वार्निंग दी। पुलिस ने जब उस नंबर पर फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। उसकी फैमिली वालों ने अपने समाज के लोगों को इसकी जानकारी दी। सिंधी समाज के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करना तय किया और अर्ली मॉर्निंग जरीपटका थाना में FIR लिखवा दी। तब पुलिस भी हैरान परेशान हो गई। सभी सीनियर ऑफिसर्स थाना पहुंच गए और मोतीरमानी के परिवार वालों से उनके दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप मोतीरमानी की 2-व्हीलर कोराड़ी रोड पर एक बड़े अस्पताल के सामने पार्क की गई मिली। इससे यह केस और कॉम्प्लेक्स हो गया था कि वह हॉस्पिटल क्यों गए थे या किडनैपर उन्हें वहां जबरन ले गए और 2-व्हीलर पार्क करने को कहा। अनकन्फर्म सोर्सेज के अनुसार स्कूल के मैनेजमेंट से काफी लंबे समय से उनकी अनबन थी। स्कूल के डायरेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट किया था। बताते हैं कि उस मामले में मोतीरमानी ने डायरेक्टर के खिलाफ गवाही दी थी। रैश ड्राइविंग ने एक यूथ की जान ले ली और 4 युवक उसमें घायल हो गए। ओंकार नगर में रहने वाले 21 साल के तन्मय योगेश मोतांगड़े थर्सडे 1 सितंबर को अपनी 4-व्हीलर सिलेरियो में 4 दोस्तों को बिठाकर तेज गाड़ी चला रहा था कि उसका कंट्रोल स्टीयरिंग से छूट गया और कार इलेक्ट्रिक पोल से जा टकराई। 5 इंजर्ड युवकों को एम्स में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर्स ने गौरव राघोटे को डेड घोषित कर दिया। वह काउंटी का रहने वाला था। तन्मय और वाड़ी में रहने वाले उसके 3 फ्रेंड्स का इलाज चल रहा है। बेलतारोड़ी पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने शांतिनगर के 41 ईयर ओल्ड रोशन प्रभाकर कट्टमवार को गिरफ्तार कर लिया है। 32 ईयर ओल्ड की एक महिला ने रोशन के खिलाफ FIR में कहा था कि वो उसके साथ हमेशा छेड़खानी करके परेशान करता रहता है। पुलिस के प्रॉम्प्ट एक्शन से अब उस लेडी को रिलीफ मिलेगी। धंतोली के अभ्यंकर रोड पर आशीर्वाद पैलेस में रहने वाली 53 ईयर ओल्ड सविता रामचंद्र राव ने धंतोली थाना में दर्ज अपने FIR में कहा है कि अपने घर में ताला लगाकर अपनी फैमिली के साथ वे नागपुर से बाहर गई थी। लौटने पर उसके घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने के बाद पता चला कि उनके घर से 4,000 कैश, सोना चांदी, गहने सहित 1,93,000 के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। धंतोली पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। ड्रंक एंड ड्राइव, गैमलिंग और बूजिंग पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करती रहती है। नागपुर पुलिस ने फ्राइडे 2 सितंबर को भी अलग अलग केसेस में कई लोगों को अरेस्ट कर लाखों रुपए भी जब्त किए। दारू पीने के 9 केस में 9 अक्यूज को अरेस्ट कर उनके पास से 9,180 रुपीज जब्त किए। इसी तरह गैमलिंग के एक मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर 2,350 रुपीज सीज किए। मोटर ड्राइविंग, मैन ट्रैफिक रूल्स तोड़ने और दूसरे मामलों में 2,961 पीपल से 3,36,650 रुपीज जब्त किए। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट इज बाय SP सिंह एंड कैमरा के पीछे है अनुराग राउत। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।